वेलकम बैक टू माय नीनूस किचन। आज मैं आप बनाने जा रही हूँ दाल बाटी। इसके लिए सबसे पहले मुझे 2 कटोरी आटा लेना है, गेहूं का आटा। दो कटोरी ये मैंने आटा लिया है और इसी में मैं 1/2 कटोरी चने का आटा मिक्स कर दूंगी। 1/2 कटोरी ये चने का आटा डाला है मैंने, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो नहीं भी डालें। और यहाँ पर ये अजवाइन है 1/2 चम्मच, वो डाली है मैंने। इसमें हमारी 8 से 10 बाटी बन जाएंगी। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये बेकिंग पाउडर है, ये डालेंगे 1/2 चम्मच। अब इसमें हमें घी डालना है, ये आप कोई सा भी घी डाल सकते हैं। और इसे पानी से गूंदना है, अच्छे से घी को मिक्स कर देना है। और हमें देख लेना है कि हमारी इस तरह से ये आटे की मुट्ठी बन जाए। इसकी पहचान यही है कि मुट्ठी बन जाए, इतना घी डालना है हमें अच्छे से मसल के, और इसकी मुट्ठी बन जाए प्रॉपर। ये मुट्ठी बन चुकी है और अब हम इसे गूंद लेंगे, इसका डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज होना चाहिए, एक मीडियम सा डो तैयार करेंगे। ये डो बनकर तैयार हो गया है, अब इसको मैं निकाल के अलग रखूँगी। और इसी के लिए मैं ये बेसन लिया है मैंने, इसको भी इसी तरह से माड़ूंगी। 1 कटोरी बेसन है ये, इसमें भी ऑयल डालूंगी मैं, नमक डालूंगी, अजवाइन डालूंगी, थोड़ी सी नमक डालूंगी और इसको भी ऐसे ही गूंदूंगी मैं। ये मैंने दोनों की गोलियां बना के रख ली हैं, इधर आटा और जो चने का आटा मिलाया था उसकी नॉर्मल आटा, और इधर ये जो मैंने बेसन बनाया था उसकी, बेसन माड़ के जो अजवाइन वगैरह डाली है उसकी बना ली हैं। अब मैं इसको इस तरह से गोल करूँगी, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथ पे और इसके अंदर बीच में इस गोले को रखेंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा कट मार देंगे इस तरह से, इस तरह से सभी बना लेंगे। इसको मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल लगा के, मैं कुकर में बनाकर दिखा रही हूँ आपको। और इस तरह से इसको छोड़ देंगे इसमें, इसमें हमें थोड़ी ही 4 डाली है मैंने इसमें, और इसकी ढक्कन लगाएंगे और बिसल निकाल दी है। और इसको बीच बीच में हमें इस तरह से करना है और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इधर मैं अप्पम मेकर में भी बनाकर दिखा रही हूँ आपको, बट बस ये है कि ये थोड़ा छोटी बनेंगी और उसमें हमारी बाटी प्रॉपर जैसे होती हैं वैसी ही उतनी ही बड़ी बनेंगी।
अप्पम मेकर को भी मैंने पहले सबसे ग्रीस करना है। और उसमें फिर ये रखना है। इस तरह से ये दोनों तरफ ही बन रही हैं। इधर मैं कुकर में भी ये चला चला के इनको इसीलिए कम डाली हैं हमने कि ये आपस में आराम से मिक्स हो जाएं और ये सिक जाएं अच्छे से। इधर इधर मैं अप्पम मेकर में भी सेक रही हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि बस इसमें छोटी सी कंगी, बाकी इसमें भी बहुत अच्छी बनेंगी। और इसको मैं अब 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। कुकर में ये इस तरह से एक साइड से सिक चुकी हैं जैसा आप देख रहे हैं। अब ये कुकर वाले भी हमारी बाटी बन गई हैं और बहुत ही अच्छी सिक रही हैं, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा रह गए हैं तो वो भी इसमें ही सिक जाएंगे। इनको हम इस तरह से हिला के फिर रख देंगे। इधर अप्पम मेकर वाली भी सिक रही हैं, ये जैसा मैंने आपको बताया था, बस थोड़ी छोटी बनेंगी वरना ये भी बहुत अच्छी सिकेंगी। ये भी देखिए आप सिक चुकी हैं एक तरफ से और बहुत कम ऑयल में सूखी ही सिक रही हैं ये। बस इनको थोड़ा सा मुझे ग्रीस करना है ऊपर से भी और फिर ढक देना है। फिर इनको छोड़ दूंगी मैं। इधर मैंने कुकर रख दिया है और ये दाल बनाने के लिए ये मैंने दाल मिक्स करी है। इसमें मैंने मसूर की दाल और अरहर की दाल और धुली हुई उड़द की दाल और चने की दाल, सारी दालें मिक्स करी हैं। 5 दालें इसमें मैंने मिक्स करी हैं। ये सभी दालें मैंने 4-4 चम्मच ली हैं। और अब मैं इनको एक नई तरकीब से बना रही हूँ। इस दाल के लिए सबसे पहले मैं इस दाल को भूनूंगी। दाल को हम भूनेंगे और बहुत जरा सा ऑयल डाला है, 1-2 बूंदे ऑयल की डाल के इसको भून लेंगे। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है भूनने से। और फिर जब ये भून जाएगी तो इसको धो के और फिर हम जैसे नॉर्मल दाल बनाते हैं नमक मिर्च डालकर इसको चढ़ा देंगे। और फिर इसमें एक बिसल आने तक जब ये गल जाएगी उतार के फिर इसका हम छौंका तैयार करेंगे। वो छौंका मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जैसे भी बनाऊँगी। दाल बनकर तैयार हो गई है, इस तरह से दाल बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसका छौंका रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पैन में घी डाल दिया है, इसी में मैं जीरा डालूँगी थोड़ा सा। हींग डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर और इसमें तड़का लगा देंगे। दाल में ये तड़का लग चुका है। इधर मेरी इडली भी बाटी भी बनकर तैयार हो गई है, ये सब देख सकते हैं आप। और ये कुकर वाली भी बनकर तैयार हो गई है। इनको मैं देसी घी में डाल दूंगी
अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं तो देसी घी में मत डालिए, अदरवाइज तो वैसे देसी घी में ही डलती हैं ये बाटी, और इनमें अच्छे से घी डाला जाता है। ये मैंने जो इसमें बनाई थी अप्पम में वो भी डाल देती हूँ मैं इसी में। और ये तैयार हो गई है दाल बाटी। ये दाल बाटी तैयार है, डिलीशियस दाल बाटी, आप खाइए और मज़ा लीजिए। मैं तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।